जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में रामलला के आने की जो खुशी थी उस पे जश्न चल रहा था और हम चल रहे थे सफर में। तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रॉकी द विलेजेस में। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में राम राज्य का जो है बहुत सारा उत्साह है। सभी उत्साह से जो त्योहार है हमारा, इससे सभी लोग काफी ज्यादा खुश हैं। तो हम थे अपने सफर में, तो चलो चलते हैं, दिखाते हैं अभी का सफर और आपको आगे भी दिखाएंगे कि क्या चल रहा था इस समय शहर में, जहाँ एक तरफ पूरा विश्व रामलला के आने की खुशियाँ मना रहा था और हम थे अपने पहाड़ों की इस हसीब वादियों में, ऊंचे पेड़ों और इस खामोशी को संजोते हुए अपने पहाड़ों के सफर में आगे बढ़ रहे थे। हम चल रहे थे उन गहराइयों में खोते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिन गहराइयों में रामलला द्वारा 14 वर्ष का वनवास जहां रामलला ने 14 वर्ष का वनवास किया था, वहीं 500 साल बाद फिर से उनका अयोध्या में स्वागत किया जाएगा और इसी खुशी में हम भी थे सफर में आगे बढ़ते हुए। चलो चलते हैं, एंजॉय करते हैं सफर। चंपावत की सम्मानित जनता द्वारा यहाँ चंपावत में आप देख रहे होंगे रामलला की झांकी का सुंदर आयोजन किया गया है, जिसमें रामलला सीता के साथ, लक्ष्मण और चारों भाइयों के साथ हनुमान जी तथा चंपावत की मातृ शक्ति द्वारा यहाँ पे कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें चंपावत की मातृ शक्ति द्वारा कलश यात्रा में हिस्सा लिया गया है। और जय सियाराम के नारे गूंजते हुए यहाँ पे युवा शक्तियों द्वारा अपना प्रदर्शन किया गया और इस झांकी को आगे बढ़ाया गया। एक ही नारा, राम मेरे वनवास ना जाए।